मुमरा के शिवाजी नगर में फिर से खेला गया खूनी खेल, दल बनाकर कुल्हाड़ी और चाकू से किया गया जानलेवा हमला। मैं इब्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। बुधवार 15 सितंबर और गुरुवार 16 सितंबर की आधी रात में मुमरा स्थित अमृत नगर क्षेत्र में दरगाह के पीछे शिवाजी नगर परिसर में 4 से 5 लोगों ने एक गुट बनाकर वहाब नाम के व्यक्ति और उसके साथी पर कुल्हाड़ी, चौपर, चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। एक प्रकार की खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस हमले में वहाब नामक व्यक्ति के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी है, उसे साइन अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया है। दूसरा उसका साथी, उसके सिर में भी चोट लगी है परंतु उसकी हालत ठीक होने के कारण उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की जानकारी मुमरा पुलिस को मिलते ही कानूनी प्रक्रिया तथा मामला दर्ज करने की कार्रवाई चल रही थी। पुलिस से प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार और स्थानीय लोगों से प्राप्त सूचनाएं और अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दर्ज किया जाएगा। मामला दर्ज करने की कार्रवाई वहाब के बयान के बाद ही पूरी की जाएगी, क्योंकि वहाब अभी अस्पताल में इलाज के दौरान है, उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने क्या जानकारी दी हमारे संवाददाता शेख शाहिद को, देखिए। अरे सामान ऐसा गया मेरे यहाँ से। बुलाओ से मोहसिन, बुला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल, जो अभी थोड़े टाइम पहले इधर विवाद हुआ, ये पूरे एरिया का नाम क्या है? शिवाजी नगर। शिवाजी नगर, ये क्या विवाद था? ये लोग ने ग्रुप बना के आए थे इधर इरशाद नाम के लड़के को ढूंढने के लिए। किन लोग ग्रुप बना के आए थे? नाम सरफराज के बच्चे थे 5 जन, सोहेल, समद, शहवाज, इमो, आवेश, अयुब। तो किसके ऊपर ये लोग ने अटैक किया? वहाब के ऊपर, और अपने ऊपर पहाड़ पे रहता है लड़का इकबाल, इकबाल नाम है जिसका, उस पर। अच्छा, किस चीज़ से मारा है वो लोग? कुल्हाड़ी थी और 4-5 हथियार थे। तो किधर किधर लगा? सर पे वार आया उसके और गर्दन पे भी, मतलब बचने की हालत मतलब कम है। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। ये आपकी दुकान के बाहर जो अभी अटैक किया गया, वो क्या पूरा हादसे का क्या पूरा हादसा था? वो उसमें रिक्शा तो मैं नहीं देखा, लेकिन उधर ये लोग आवाज़ आई, मैं अंदर अपने काम कर रहा था तो देखा आवाज़ आई, मैं निकल के देखा तो उसको ना पूरा पड़ा हुआ था और उसको खून भी दिख रहा था। कितने लोग ने मारा? 5-6 दिख रहे थे उसके अंदर, 5-6 रिक्शे में घुस के वो लोग निकल गए। अच्छा, रिक्शा लेके आए थे? हाँ, रिक्शा लेके आए थे वो लोग, और चौपर ऊपर वो लोग को मार के वो निकल गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील।
अखिल भाई, इधर जो अभी विवाद हुआ था तो आप यहाँ मौजूद थे? हाँ भाई। कितने लोग ने अटैक किया था? कम से कम 4 से 5 लोग। 4 से 5 लोग थे, तो उनके हाथ में हथियार क्या थे? एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी, एक के हाथ में छुरी थी और बाकी के हाथ में छोटी छोटी छुरियाँ थी। वो डायरेक्ट वो बंदे को गाड़ी पे ठोक के ना, गाड़ी गिराया गया उसकी और उसको डायरेक्ट मारने लगे। और एक बंदे ने एक दूसरे जो पीछे बैठा था उसको डंडे से मारा, उसको भी सर पे मार लगा। अच्छा, दो जन को मतलब? हाँ, दो जन को मारा गया। अच्छा, ये जो आज इधर विवाद हुआ, पहले से कुछ तकरार थी क्या लोगों की? ये नहीं मालूम, मैं तो यहाँ का नया बंदा हूँ। क्या नाम है आपका? शमशाद कुरैशी। ये जो आज इधर वार हुआ है, जो विवाद चला है, ये किस कारण चला है? ये 2 साल पहले का लफड़ा है। 2 साल से चल रहा है? किस बात को लेके लोग नशा ऐसा बेचते हैं ना? कौन नशा बेचता है? सरफराज, उसके बच्चे। अच्छा, उन लोगों ने वार किया? हाँ, उन लोगों ने किया। अच्छा, तो ये वार करने की वजह क्या थी? वही बात है जो अभी उन लोग का नशा ऐसा बंद करवाए। अच्छा, नशा बंद कराने की वजह से उन लोगों ने रूम खाली कराए, मिलके वार किया और यहाँ से रूम भी खाली कराए। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद भाई, ये जो विवाद हुआ है, ये किस कारण हुआ है विवाद? अभी वो लड़के लोग हैं जो सरफराज के लड़के लोग, यहाँ पे पहले धंधा करते थे अपना, गांजा बेचते थे, बटन बेचते थे, यहाँ पे सब लोगों ने उन लोगों को मार के भगाया था। अभी वो लोग की कुछ जाति कुछ था उसमें, हम लोगों ने भी उसको मना किए थे बेचने के लिए कि भाई इधर ऐसा धंधा नहीं करने का है ये वो। तो उसके बाद भी वो लोग आए यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद मेरा नाम ले रहे थे, इरशाद किधर है, इरशाद किधर है, इरशाद किधर है। तो तुमको भी मारने के लिए ढूंढा जा रहा था? मेरे को मारने के लिए, मैं नहीं था यहाँ पे। मेरे आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि सब तुम्हारे को ढूंढ रहे थे वो लोग, मगर तुम मिले नहीं। उतने में वो वहाब आया ऊपर से बाइक पे, उसको यहाँ पे वो लोग ने उसको मारा। मतलब उन लोगों का टारगेट वहाब और आप थे? वहाब का तो नहीं पता, मगर उन लोग ने मेरा नाम लिया है, मेरे को मारने आए। अभी उसको क्यों मारे अब वो पता नहीं, वो लोग कहाँ है, किधर है, कुछ पता नहीं। इसके पहले भी जान को खतरा है, इसके पहले भी एक बार आया था वो, इसके पहले भी एक बार आया था, मगर मेरे को देख के जब वो अकेला था तो चले गया था। अभी इस बार आया है। ये झगड़ा किस चीज को लेके आप लोगों का चल रहा था? हम लोग का कुछ लेके यहाँ पे पहले भी मतलब कुछ चौकी में टकरार हुई थी क्या? नहीं, मेरी अभी तक चौकी में कोई टकरार नहीं हुई। खाली यहाँ पे उसका भाई है छोटा, वो यहाँ पे गांजा बेच रहा था, तो मैंने उसको मना किया भाई यहाँ पे नहीं बेचना है, अगर तुम्हारे को बेचना है तो किधर एक जगह बैठ के करो, ये सब अच्छा नहीं है। यहाँ के गली के बच्चे, वो खुद 17 साल के भी नहीं, 16 साल के, वो लोग यहाँ पे बेचन कर रहे थे, तो बस उस वजह से मना किया था। वो मना करने के बाद वो लोग यहाँ से किधर दूसरी जगह जाके उन लोग नशा बेच रहे, वो कर रहे, वो उसका आइडिया नहीं है, मगर वो लोग कर रहे रहेंगे। तभी उन लोग यहाँ पर आने के बाद फिर उन लोग ने इसको मेरे को ढूंढे, मैं मिला नहीं, फिर उसने उन लोग ने वहाँ को मार दिया।